अपने मनपसंद सीरियल्स देखने के लिए अल्ट्रा टीवी सीरीज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। जो दुश्मनों के रंग उड़ाए, जो उलझनों को सुलझाए, जो राजा रैंचो, राजा रैंचो, राजा रैंचो। तो इनके नए ढंग लाए जहां में नए रंग, मस्तियों में झूम के मंजिलों को चूम के चले जमाना इनके संग। देखिए आप लोग घबराइए मत, अपनी अपनी जगह पर बैठे रहिए। हाँ, जैसा गीता जी ने कहा है, जो जहाँ है वहीं रहे। मेरे ख्याल से कोई ना कोई गया होगा देखने के लिए कि लाइट को क्या हुआ है। हाँ, देखिए लाइट्स आ गए। चलिए उनको कांग्रेचुलेट करके आते हैं। प्लीज, व्हाई नॉट। आइए, आपको बहुत बहुत बधाई हो। रंचो, कम यार। अब कांग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत बधाइयां। भाई, हमारी बात का कुछ जवाब तो दीजिए। कमाल है, देयर इज नो रिएक्शन। मैडम, मैडम, शी इज डेड। जेंटलमैन, इस जगह से कोई भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि वो लड़की जो अब से थोड़ी देर पहले तक जिंदा थी अब मर चुकी है। और यह हादसा उस वक्त पेश आया जब सिर्फ थोड़ी देर के लिए लाइट गई थी। इसका मतलब यह हुआ कि मर्डरर हम में से ही कोई एक है। आप में से कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू एवरीबॉडी। सिंह को दो। सिंह, मैं ग्रीन कोट क्लब से बोल रहा हूं। यहां एक पार्टी चल रही थी, उसमें रितु नाम की एक लड़की का मर्डर हो गया है। हाँ, सतीश खन्ना की वाइफ। तुम फौरन यहां आ जाओ, ओके? मैं इंतजार करता हूं, प्लीज। मैं हूँ गीता देवी, बोलो क्या काम है?
एक साहब ने ये फूल गीता देवी के लिए भेजा है। थैंक यू। थोड़ी देर के लिए यहां से बाहर जा रहा हूं। कोई भी अपनी जगह से ना हिले तुम इस बात का ख्याल रखोगे, समझ गए? एक्सक्यूज मी एवरीबॉडी, आई विल बी बैक आफ्टर सम गया था या उड़ाया गया था? झूठ ही बोल रहा है। दो दिन जेल की हवा खाएगा ना, सब ठीक हो जाएगा। और किसने कहा था तुझे फ्यूज उड़ाने के? बोल, बोल। साथ एक आदमी आया था, उसने मुझसे कहा कि एक मिनट के लाइट तुम के लिए फिर खोल देना, अगर कोई पूछे तो मेरा फ्यूज उड़ गया था। मैंने तो बहुत मना किया, साहब उसने मुझे 500 रुपये दिए और साहब उसने मुझे धमकी भी दी। कपड़े कौन से रंग के पहने थे उसने? काले, काले रंग के थे सब। कोई या तू श्योर है? सब काले ही रंग के थे। चल मेरे साथ, चल 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 अंदर। अब जरा गौर से देख के बता के इनमें से कौन आदमी है। वो जो मेंढक है ना, ऐसा ड्रेस पहना था बहुत। ड्रेस? हाँ, मुखौटा। मुखौटा सर, मुखौटा। हाँ देखो गौर से, वही है। हाँ सर वही है। मुखौटा वही है या आदमी भी वही है? आदमी को तो पता नहीं सर, लेकिन मुखौटा वही है। एक मिनट, सक्सेना साहब मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा सा मौका दीजिए अपनी बात को प्रूफ करने के लिए, प्लीज। तुम जा सकते, चलो। सुनो, जब भी तुम्हारी जरूरत होगी तुम्हें बुलाऊंगा, चलो। लेकिन ऐसे ग्रीन कलर के मुखौटे तो कई होंगे, मतलब ये देखिए वर्मा जी के पास भी है, अरोड़ा साहब के पास भी है। तो देखिए सक्सेना साहब, मैं इस बात का फैसला अभी किए देता हूं। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग यहां से जा सकते हैं सिर्फ मिस्टर सक्सेना, मिस्टर वर्मा और मिस्टर अरोड़ा को छोड़कर, प्लीज। थैंक यू वेरी मच। जी तो जनाब, आपकी तारीफ। आई एम रमन अरोड़ा। जी आई एम रमन अरोड़ा। रमन अरोड़ा साहब, आप क्या करते हैं? मेरे कई बिजनेस हैं, मेरा पैसा तो कई बिजनेस में लगा हुआ है, बेसिकली आई एम इन्वेस्टर। पर साहब आप ये सब किस खुशी में पूछ रहे हैं? देखिए अरोड़ा साहब, इस लड़की का जो खून हुआ है उसका ताल्लुक इन हरे मुखौटों से है। What? रविश, जुमीन मैंने इस लड़की का खून किया। मिस्टर राजा, हमारे अपने बिजनेस में हमारा एक नाम है, एक इज्जत है और परफेक्ट कमाई हुई साफ है, और इस ग्रीन फोर होटल में हमारा 80% पैसा लगा हुआ है। आप कहते हैं कि हमने ये घटिया ग्रह में काम किया है, पूछे की कटेगी से। मिस्टर राजा, मिस्टर वर्मा और मिस्टर अरोड़ा अच्छे आदमी, वो ऐसा नहीं कर सकते। Yeah, I can understand, गीता देवी जी। मिस्टर वर्मा और मिस्टर अरोड़ा, मेरी बात से जो आपको गुस्सा आया उससे आपका काफी खून जल गया होगा, जो उसका बेहद अफसोस है। आप मजाक अच्छा कर लेते हैं मिस्टर राजा, और गीता देवी जी आपने यहाँ बुलाकर जो हमें इज्जत बख्शी है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारी आपकी आखिरी मुलाकात है, चलो रोड़ा। चलो और बात, मिस्टर सक्सेना आप इस होटल के मैनेजर? जी हाँ, पिछले एक साल से। ये सूट बहुत खूबसूरत है। नहीं
अगर आपको पसंद है तो आपके लिए भी मंगवाऊंगा। नहीं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मिस्टर सक्सेना, बात यह है कि आप बात बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इसी तरह की खूबसूरत बातों से किसी को फंसाया भी जा सकता है। क्या मतलब? क्या कहना क्या चाहते? मैं ये कहना चाहता हूं कि रितु का मर्डर प्री प्लान था। आप ही यहां से बाहर गए और आपने वॉचमैन को 500 रुपए दिए, अंधेरे में आकर रितु का मर्डर कर दिया। उस वक्त आपके चेहरे पर ये पता था ताकि कोई आपको पहचान ना सके। बस यही एक वजह है आपके पास, इसी बिना पर पकड़ेंगे आपका दिल। मेरे पास और भी बहुत सारी वजह है, वक्त आने पर मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। फिलहाल सुनिए, जब तक मैं आपसे न कहूं आप इस कब्जे बाहर नहीं जाएंगे। अच्छा सर, गीता देवी सर, मैं आपके क्लब के वर्कर्स से बातचीत पूछना चाहता हूं। हाँ जरूर। क्या आप में से किसी ने इस लड़की को पार्टी से पहले यहां आते देखा था? गौर से देखिए। आपने? आप? मैंने देखा है। हाँ? सर ये वही लड़की है ना जिसके हस्बैंड का मर्डर के नाम सतीश खन्ना? जी हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, ये रितु है, सतीश खन्ना की पत्नी। सर ये पार्टी के पहले शाम को यहाँ आई थी, उसने मुझे कहा था कि इसके एक जरूरी फोन आने वाला है, इसलिए वो यहाँ इंतजार कर रही है। फिर उसका फोन आया, थोड़ी देर बात की और चली गई। थैंक यू वेरी मच संगीता। संगीता मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ आने वाला हर फोन कॉल रिकॉर्ड किया जाए, क्या तुमने ऐसा किया? हाँ सर। दैट्स वंडरफुल। जब तुमने सारे फोन कॉल्स रिकॉर्ड किए तो इसका मतलब इसका कॉल भी रिकॉर्ड हो गया होगा, क्या मैं वो सुन सकता हूँ? हाँ सर, मैं अभी लेकर आता हूँ। थैंक यू वेरी मच संगीता। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वो फोन कॉल जो संगीता ने रिकॉर्ड किया, आई एम 100% श्योर कि मुझे उससे कोई ना कोई क्लू जरूर मिलता है। आई रियली होप मिस्टर राजा ये मौत का सिलसिला जल्द से जल्द खत्म हो जाए। ले लीजिए मिस्टर राजा। थैंक यू वेरी मच संगीता। संगीता इसे क्यों किया है ना? थैंक यू वेरी मच। अब आप ही सुनिए। यस हेलो ग्रीन कोट क्लब, देखिए वहाँ लॉबी में रितु खन्ना मेरे फोन के इंतजार में बैठी है, आप थोड़ा उनसे मेरी बात करवाएंगे? यस या शी इज वेटिंग फॉर यू सर। कहीं आप हमारे होटल के पुराने मैनेजर भूषण श्रीवास्तव तो नहीं? भूषण श्रीवास्तव? कौन भूषण श्रीवास्तव? देखिए मेरा नाम आनंद वर्मा है, मैं रितु का कजन हूँ, आप प्लीज उनसे मेरी बात करवाएंगे। हेलो मिस रितु, कॉल फॉर यू। हेलो रितु, वो काम हो गया ना? हाँ ठीक है, तुम मुझे स्वीट होम होटल के रूम नंबर 105 में मिलना, उसके बाद गीता देवी की पार्टी में जाके तुम ऐश करो। ओके मैं आ रही हूँ। हो ना हो ये आवाज भूषण श्रीवास्तव की ही है। आपको क्या लगता है गीता जी? Well, लग तो मुझे भी कुछ ऐसा रहा है, लेकिन पूरे यकीन से कहा नहीं जा सकता। पर मुझे ऐसा लगता है कि इन हादसात की कड़ियां कहीं ना कहीं भूषण श्रीवास्तव से जरूर जुड़ती हैं, और मेरा सोचना ऐसा भी है कि वो ही कल्प्रिट क्यों नहीं, मतलब वो भी कल्प्रिट हो सकता है। Excuse me for a moment. सर मैं इंस्पेक्टर सिंह बोल रहा हूँ। हाँ सिंह बोलो। सर रितु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसे पोटेशियम साइनाइड दिया गया है, लगता है उसे जबरदस्ती खिलाया गया। ओके तुम फिक्र मत करो, मैं फौरन वहां पहुंचता हूं। ओके टेक केयर। गीता जी मुझे अर्जेंटली यहां से निकलना है, मेरा एक जरूरी काम, लौट कर आ सकते? जी एक्सक्यूज मी।
मिस्टर अरोड़ा, एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि आप एक अच्छे प्लेयर हैं या एक अच्छे बिजनेसमैन। वर्मा, कोई भी खेल केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता। जिस तरह खेल में कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है, सामने वाले प्रतिद्वंदी को हराने का हौसला रखना पड़ता है, कब किस समय कौन सी चाल चलनी है, अगर ये बातें आप में मौजूद है तो आप हमेशा कामयाब हो सकते हैं, चाहे फिर बात बिलियर्ड की हो या बिजनेस की।